जानकारी सामने आ गई। आपको बता देते हैं बड़ी खबर करनाल से सामने आ रही है। जश हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज तीनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है। तीन आरोपी की जिनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है कोर्ट में पेश किया जाएगा, करनाल कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। करनाल से बड़ी खबर, पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है क्योंकि पूछताछ लगातार जारी थी और ऐसे में आज बड़ा खुलासा हो सकता है। जश हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, कोर्ट में आज पेश किया जाएगा और साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि बड़ा खुलासा पुलिस कर सकती है। तो करनाल के जश हत्याकांड में अब तक का घटनाक्रम पर ग्राफिक्स के जरिए एक बार नजर डाल लेते हैं। जश हत्याकांड में अब तक क्या हुआ, करनाल के गांव में हत्या हुई, 5 अप्रैल को गायब हुआ था जश, खाने की कोई चीज लेने के लिए घर से निकला था। इसके बाद जश घर नहीं लौटा, भीख मांगने वाले एक संदिग्ध पर शक गया। पुलिस ने संदिग्ध को लेकर पूछताछ की। 6 अप्रैल को जश का शव पड़ोसी की छत पर मिला। शव बरामद होने के बाद पुलिस ने जश के ताई ताऊ को पूछताछ के लिए बुलाया। मालूम हुआ था कि जश के पिता, 9 अप्रैल को पुलिस ने अंजलि नाम की महिला को गिरफ्तार कर लिया। अंजलि नाम की महिला रिश्ते में जश की चाची है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जश की हत्या का खुलासा हुआ। जश की हत्या गला दबाकर की गई थी, जश के गले पर चोट के निशान भी मिले थे। पुलिस ने मोबाइल चार्जर के तार से गला घोटने का अंदेशा जताया। गला घोटकर शव बेड में छुपाने का दावा किया गया। इसके बाद जश का शव बाहर फेंकने के लिए एक बैग का इस्तेमाल हुआ। जश के लापता होने की शिकायत पर अंजलि को गिरफ्तारी हुई। इस मामले में आरोपी चाची अंजलि पुलिस की गिरफ्त में है। मामले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए महापंचायत हुई। महापंचायत में शामिल लोगों पर पुलिस बल का प्रयोग हुआ। जश की हत्या मामले में 2 और महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। इनमें एक महिला जश की ताई और दूसरी दादी है। इन पर दूसरों की छत पर शव फेंकने का आरोप है। तो जश हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जश के परिजन लगातार इस मामले को लेकर पुलिस थाने के चक्कर भी काट रहे थे। पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई भी की गई है। आरोपी चाची, ताई और दादी की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस बड़ा खुलासा भी कर सकती है। जिस तरीके से महापंचायत भी हुई और ऐसे में सीबीआई से मामले की जांच कराने की मांग भी यहां पर रखी गई थी। आपको यह भी जानकारी दे दें कि चाची पर आरोप लगा था कि गला दबाने कर उसकी हत्या की गई है और ऐसे में पुलिस लगातार मामले में गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता कमरजीत सिंह विर्क हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से। कमरजीत, जिस तरीके से जश हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी हम दर्शक तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तीनों आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है, इसको लेकर अभी ज्यादा जानकारी क्या मिल रही है? देखिए, अगर बात करें तो जश हत्याकांड को लेकर लगातार पुलिस की जो रिमांड पर चल रहे हैं, चाची चल रही है, जो रिश्ते में चाची लगती है, दादी रिश्ते में लगती है और इसके साथ रिश्ते नहीं होता ही है, उन तीनों को रिमांड पर लिया और आज अब से थोड़ी देर बाद जो इंद्री में उन तीनों को पेश किया जाएगा। इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले उनका मेडिकल करवाया जाएगा, करनाल का जो नागरिक हॉस्पिटल है वहां मेडिकल के लिए लेके आएंगे, उसके बाद इंद्री में उसको जाके कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। और उसके साथ अगर बात की जाए तो अंजलि का 5 दिन का रिमांड हो चुका है, 5 दिन के बाद उसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके साथ अगर ताई और दादी की बात करें तो उसको 1 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसके साथ अगर बात की जाए तो आज कहीं ना कहीं कल जो इशारा किया था, जो जानकारी मिल रही थी कि करनाल के जो एसपी गंगाराम पुनिया है पूरे मामले को लेकर खुलासा करेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज के लिए डाल दी गई है। कल के लिए मैसेज अभी जो जो पुलिस प्रवक्ता है उसने डाल दिया है, कल 12 बजे पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और उसमें पूरा खुलासा किया जाएगा। इसके साथ अगर बात करें जो लोग, जो अधिकारी, जो CA1 और CA2 की जो टीम है, SIT की टीम है, उनको कोर्ट में पेश करने जाएगी, उस दौरान जरूर जानकारी उनसे हासिल करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या अंजलि ने माना है, क्या दूसरों ने कहा। दूसरों का जो कहीं ना कहीं एक चीज है कि शव को उन्होंने अपने छत से उठाकर दूसरे छत पर फेंका थे। पूरे मामले को लेकर जो SIT बनी है, जहां तमाम जो सी टीमें हैं उन्होंने क्या क्या चीजें सामने निकल कर। इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि अंजलि पूरी की पूरी सहकर्मी और वही कई जो बात निकलकर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, जो पुलिस सूत्रों से हवाले से जांच में चीजें जरूर खुलासा हुआ है कि अंजलि ने
कहीं ना कहीं अपने पति को भी मारने की जरूर कोशिश की थी, और उसके साथ एक दिन दवा लेके लेने के लिए जो पानीपत जा रहे थे, रास्ते में उसने स्टेयरिंग पकड़ लिया था। ऐसी कई तमाम ऐसी चीजें जरूर अंजलि के बारे में सामने आ रही हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं जरूर कहा जाता है। और पुलिस की जो टीमें हैं, फैसल की टीम है, डॉक्टरों की टीम है, वो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक इसको जरूर को जरूर कह रही है अंजलि को, और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जरूर इसका खुलासा करना है, और इसको लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुलासा किया जाएगा। उससे पहले जो अधिकारी उनको कोर्ट में पेश करने जाएंगे, वो देखते हैं इस पूरी थ्योरी पर क्या बताते हैं जी। लेकिन कमरजीत, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठना है, जिस तरीके से जो परिजन है उन्होंने पुलिस की जांच पर भी सवाल उठा दिए थे, और महापंचायत में सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही थी, तो क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है परिजन? क्या देखिए, अगर बात करें तो कल पूरे मामले को लेकर करनाल में एक महापंचायत रखी गई थी, उसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे थे, आसपास जिलों के भी लोग पहुंचे थे, उसके परिवार के लोग ही नहीं थे, आम जो परिवार थे, जन समाज से जुड़े हुए लोग थे, वो पहुंचे थे, और उनका यही कहना था कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इसी को लेकर कुछ लोगों की एक कमेटी जरूर बनाई गई थी, जिसमें 10 लोग थे, 10 लोग करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से मिले थे, उन्होंने कहीं ना कहीं उन लोगों को, जो परिवार के लोगों से, जो उनका जश का चाचा था, उसको संतुष्ट जरूर किया था, जो पारिवारिक के मेंबर थे उनको संतुष्ट किया था, और उनका यही कहना था कि आज शाम तक, यानी कि कल तक आपको संतुष्ट करके आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना यह होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों टाली गई है, क्या अंजलि का आगे भी रिमांड ले सकते हैं, क्या और कोई ऐसे तथ्य मिले हैं, जहां कुछ जानकारी मिली है कि आज करनाल पुलिस उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही। इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं परिवार ने जरूर कहा था कि हमें करनाल पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ कभी इस चीज को लेकर। इसके साथ अगर बात की जाए तो करनाल के जो एसपी गंगाराम पुनिया, उनका यही कहना था कि हम हर एंगल से जांच करें, इसमें कोई भी निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। इन सभी चीजों को लेकर पुलिस जांच कर रही थी। पुलिस का कहना था कि 302 का मामला है, 302 में फांसी भी हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है, इन सभी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं वो जांच कर रहे थे। इसको लेकर कल जो हुआ, कल हमने जनता टीवी ने पूरी प्रमुखता से सारी खबर को दिखाया था, लेकिन इतना जरूर है कि आज भी जब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, इंद्री की कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके दौरान जहां पर वो जो अधिकारी होंगे, जहां परिजन होंगे, परिजन क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी जी। चलिए ठीक है कमरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे।